हेलो लर्नर्स, आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टेट पॉलिसी, जब भी कोई स्टेट यानी कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनानी है उसको डायरेक्ट करने के लिए, यानी कि वो किस हिसाब से काम करेगी, जो सिद्धांत हैं उसी को हम DPSP या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। डिटेल से पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। द मेकर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन न्यू दैट द इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज गोइंग टू फेस मैनी चैलेंजेस। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उनको पता था कि जो हमारा जो आज़ाद देश है अब इसको बहुत सी प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा। फॉर मोस्ट अमंग दीज वॉज द चैलेंजेस टू ब्रिंग अबाउट अ इक्वालिटी एंड वेल बींग ऑफ ऑल सिटीजन। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि सभी को एक समान लेकर आना, सब जो सिटीजन हैं उनके वेलबींग के बारे में सोचना। दे ऑल्सो थॉट दैट अ सर्टन पॉलिसी डायरेक्शन वॉज रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग दीज प्रॉब्लम। तो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल होने चाहिए जो इन प्रॉब्लम्स का हल करने के लिए ज़रूरी हैं। एट द सेम टाइम, उसी समय पे द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट वांट फ्यूचर गवर्नमेंट टू बी अबाउंड बाय सर्टन प्रिंसिपल डिसीजन। तो दूसरी तरफ, एक तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे वो चाहते थे कि गवर्नमेंट ऐसे काम करे कि भाई लोगों इक्वालिटी आए और क्या करे, लोगों की वेलबींग के लिए काम करे। और वो ऐसा भी चाहते थे कि भाई हम ऐसा नहीं है कि जैसा हम कहेंगे वही करेंगे। उन्होंने उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाई, कोई बंधन नहीं लगाया कि भाई हाँ आपने ये काम करना ही करना है। ओके, मगर अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांस भाई ज़रूरत बदलती रहती है ना, तो ज़रूरत के हिसाब से हर एक गवर्नमेंट लोगों की वेलबींग के लिए काम करेगी। क्योंकि समय के बाद देखो भाई, अगर आप सोचिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे उस समय पे जो लिख देते तो वही करना पड़ता। क्या आज जो अगर हम बात करें तो आज कोरोना वायरस बहुत कितना चल रहा है ना, तो आज ज़रूरत क्या है, हेल्थ फैसिलिटी की ज़रूरत है। तो इसीलिए भाई नहीं पता आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, तो इसीलिए बाउंडेशन नहीं लगाई, इसीलिए किसी बंधन में नहीं बांधा उस असेंबली ने गवर्नमेंट को। तो मगर काम करना है, लोगों की वेलबींग के लिए काम ज़रूर करना है, ऐसा ज़रूर बोला गया था। देयरफॉर सम गाइडलाइंस वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए सिर्फ कुछ गाइडलाइंस ही बताई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बट दे वर नॉट मेड लीगली इन्फोर्सेबल। मगर ये जो गाइडलाइंस हैं वो ऐसी हैं कि उनको हम लीगली इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते, यानी कि अगर गवर्नमेंट उनको फॉलो नहीं करती तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, है ना। दिस मीन्स दैट इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर गाइडलाइन वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट आस्किंग द कोर्ट टू इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। वही मैं बता ही चुकी हूँ, अगर गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती तो वो हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं जा सकते कोर्ट में उस पॉलिसी के भाई गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया। Thus these guidelines are non-justiciable. तो इसीलिए ये जो guidelines हैं non-justiciable हैं, a part of the constitution that cannot be enforced by the judiciary. तो ये ऐसी policies हैं जिसको judiciary भी नहीं enforce कर सकती कि आप इसको implement करो। Those who framed our constitution, जिन्होंने हमारा constitution को frame किया, thought that the moral force behind these guidelines would ensure that the government would take them seriously. तो ये ऐसा गाइडलाइन इस तरह की बनाई हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इनको सीरियसली ले, ये जो गाइडलाइंस हैं वो इनको सीरियसली ले। बिसाइड दे एक्सपेक्टेड दैट द पीपल वुड ऑल्सो होल्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस डायरेक्टिव। तो भाई इस इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी, जैसे कोई भी पोस्ट निकालनी है ना, तो उसके लिए हम गवर्नमेंट को ही तो बोलते हैं, गवर्नमेंट के ही तो काम है। तो ये गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को काम देना। तो काम कैसे देंगे, अगर भाई कोई पोस्ट होगी, कोई काम होगा तभी कोई काम करेगा ना। तो इस तरीके से, सो अ सेपरेट लिस्ट ऑफ द पॉलिसी गाइडलाइन इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए ये जो गाइडलाइन पॉलिसी की गाइडलाइंस हैं वो भी
कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेटली इंक्लूड की गई हैं। द लिस्ट ऑफ दिस गाइडलाइन इज, तो इसी लिस्ट गाइडलाइन की लिस्ट को ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला गया है। आई होप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।